125 सीट के साथ एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में दर्ज की जीत, महागठबंधन 110 सीटों पर सिमटी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, ट्वीट कर बिहारवासियों के प्रति प्रकट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को किया तार तार, एनडीए की जीत के बाद महागठबंधन पर जमकर बोला हमला। आपका कहना है कि जब आपकी अपनी सोच थी कि आप किस तरह हैं तो सब कुछ ठीक था, अभी जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो जिस तरह के नाटक, मैं नाटक शब्द का प्रयोग करूंगा, एक माननीय राज्यसभा के सदस्य कर रहे हैं, उनको देख के यही लगता है कि बचपन में वह जब क्रिकेट खेलते थे तो इनका यही सिद्धांत होगा, या तो उसको छूने दो नहीं तो मैं विकेट बॉल बैट बॉल लेके सब भाग जाऊंगा कि ये सब फर्जी है। बिहार चुनाव परिणाम पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से अपील, बीजेपी संघ का साथ छोड़ तेजस्वी को दे आशीर्वाद। गया के शेरघाटी विधानसभा राजद प्रत्याशी मंजू अग्रवाल ने दर्ज की जीत, जीत के बाद मंजू अग्रवाल ने गाजे बाजे के साथ मंदिर में की पूजा पाठ। देखिए ये जनता की जीत है, जनता 10 सालों से ठगे ठगे महसूस कर रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था जगह जगह, और ये जनता की जीत है। एक समाज सेवी को सम्मान दिए ये जनता के सिरे जाता है। गया जिला में महागठबंधन ने 5 सीटों पर दर्ज की जीत, तो वहीं जदयू का एक भी खाता नहीं खुला। झाझा का नगर पंचायत बना कूड़े का कारखाना, नगर पंचायत के इस रवैये पर जिला परिषद प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह ने जताया विरोध।